Hello everyone. So in this session we will learn what is destructor. In the last session we have learned what is constructor and types of constructor. So in this session we will learn what is destructor. Okay. So destructor is also a member function like constructor, which is also a member function. And it has the same name as that of its class name. Like अगर तुम लोग के class name student, तो destructor name भी क्या होगा? Student होगा. But उसके आगे क्या होगा? एक tilde sign होगा. Preceded by tilde sign. Okay. Destructor भी क्या है? Member function है. Same way की constructor भी member function है. Constructor का नाम भी क्या होता है? Same as that of the class name. Destructor नाम, destructor का भी नाम class name का ही होता है, but destructor के आगे क्या आएगा? Tilde sign आएगा. Okay. Next point is that it is used to destroy the objects that have been created by constructor. Constructor क्या करता है? Object create करता है, उसका value initialize करता है. मतलब क्या करेगा? वो memory allocate करेगा, ठीक है? Destructor क्या करता है? वो object को destroy करता है, memory क्या करता है? Free करता है. जो भी object तुम लोग constructor से create करोगे, destructor क्या करेगा? उसको destruct करेगा. मतलब क्या करेगा? Destroy करेगा. And memory क्या करेगा? Deallocate करेगा. Next point, it gets invoked when object scope is over. Like constructor को तुम लोग call नहीं करते. Call कभी होता है constructor को? जैसे ही तुम लोग class का object create करते हो, ठीक है? Like मैंने एक object create t, तो t क्या करेगा? Constructor को call करेगा. T1 किया तो t1 क्या करेगा? Constructor को call करेगा. Same way destructor का भी कोई call नहीं होता. Destructor कभी call होता है? जैसे ही तुम लोग क्या करोगे? Main के बाहर आओगे, मतलब क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के बाहर आओगे, तो क्या होता है? डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, ठीक है? लास्ट पॉइंट इज दैट इट डज नॉट टेक एनी पैरामीटर्स. लाइक कंस्ट्रक्टर होता है पैरामीटराइज, या फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर जिसमें तुम लोग ने ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट लिया था, बट डिस्ट्रक्टर कोई पैरामीटर्स नहीं लेता, ठीक है? डिस्ट्रक्टर भी क्या होता है? पब्लिक में ही तुम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है? डिस्ट्रक्टर ऑल्सो ए मेंबर फंक्शन. इट हैज सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास, प्रिसीडेड बाय टिल्डे साइन. इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? एंड इट इज डिक्लेयर्ड इन पब्लिक एंड डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट्स. इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर, ठीक है? इतने पॉइंट्स तुम लोग को याद रखना है, ठीक है? सो वी विल सॉल्व वन प्रोग्राम यूजिंग डिस्ट्रक्टर, ठीक है? सो मेरा क्लास है टेस्ट, ठीक है? और ठीक है, मैं एक स्टैटिक डेटा मेंबर है मेरे पास, स्टैटिक इंट काउंट. ओके. पब्लिक में होगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है? टेस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर, ठीक है? एंड वो क्या करेगा? काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा. काउंट प्लस प्लस, ठीक है? सी आउट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ठीक है? ठीक है, मैं तुम लोग को दिखाना चाहती हूँ कि कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, मतलब कंस्ट्रक्टर कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, एंड डिस्ट्रक्टर कैसे ऑब्जेक्ट क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है? जब भी तुम लोग क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, लाइक टी वन करोगे, तो वो किसको कॉल करेगा? टेस्ट को कॉल करेगा. नाउ टेस्ट में क्या हो रहा है? काउंट का वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है. तो काउंट का इनिशियल वैल्यू जीरो होगा, तो काउंट का वन वैल्यू क्या हो जाएगा? वैल्यू वन. और वन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड क्या हो जाएगा? वन. अगर तुम लोग टेस्ट के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो वापस से इसको कॉल होगा और ऑब्जेक्ट क्रिएटेड क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, ठीक है? दूसरा जो होगा हम लोग का क्या होगा? डिस्ट्रक्टर. एक टिल्डे साइन होगा टेस्ट, ठीक है? और ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा. तो मैं क्या लिखूंगी? ऑब्जेक्ट डिलीटेड काउंट, ठीक है? काउंट
माइनस माइनस ठीक है। जैसे ही वो उसको कॉल करेगा, सपोज मैंने टेस्ट का एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड क्या आएगा, वन, मतलब वन ऑब्जेक्ट तुम लोग ने क्रिएट किया। जैसे ही तुम लोग डिस्ट्रक्टर को कॉल आएगा, लाइक वर्ड में से तुम लोग बाहर आओगे, तो आउटपुट क्या आएगा, ऑब्जेक्ट डिलीटेड, ठीक है। और ये उसके बाद डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिलीटेड भी क्या आएगा, पहले पहले ये रन होगा तो ऑब्जेक्ट डिलीटेड क्या हो जाएगा, वन ही होगा, ठीक है। अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो इधर क्या आएगा, टू आएगा, टू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड वन, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड टू, ऐसे आएगा। फिर इधर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट डिलीटेड, कौन सा ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, टू नंबर का पहले डिलीट होगा, उसके बाद एक डिक्रीमेंट होगा, और फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट कौन सा डिलीट होगा, वन नंबर का ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, ठीक है। क्लास के बाद तुम लोग को स्टैटिक डेटा मेंबर डिफाइन करना पड़ता है, तो इंट टेस्ट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर काउंट, काउंट का मैं इनिशियल वैल्यू नहीं दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट टेस्टी, ठीक है। गेट सी एच, ठीक है। अब हम लोग रन करके देखते हैं, सिंस मैंने टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, टी सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डिस्ट्रक्टर को कोई कॉल नहीं होता, ठीक है। जैसे तुम लोग क्लोजिंग ब्रैकेट के बाहर आ जाओगे तो वो डिस्ट्रक्टर को कॉल होता है। रन करके देखते हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्टर रन होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्यों रन हुआ, सिंस डिस्ट्रक्टर कभी रन होता है कि तुम लोग मेन के बाहर आओगे तो वो क्या होगा, रन होगा, ठीक है। बट मेन के बाहर आओगे तो प्रोग्राम भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसलिए वो डिस्ट्रक्टर रन नहीं होगा, वो कभी रन होगा जैसे तुम लोग वापस से, अगर मैं वापस से रन करती हूँ और मेरे पास क्लियर स्क्रीन नहीं है तो वो क्या होगा, रन होगा, अभी रन होगा वो डिस्ट्रक्टर वाला लाइन, ठीक है। अभी देखो, अभी ऑब्जेक्ट डिलीटेड भी आया और ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये फर्स्ट वाला है, लास्ट टाइम जो हम लोग ने रन किया था वो है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड वन, ऑब्जेक्ट डिलीटेड वन। अभी जो रन हुआ ये कंस्ट्रक्टर रन हुआ, अभी मैं एंटर करूँगी तो वो चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को क्या करना है, गेट सी एच इधर नहीं लिखना है, गेट सी एच इधर लिखना पड़ेगा तुम लोग को डिस्ट्रक्टर में, ठीक है। तो क्या आएगा, तो तुम लोग का तभी आउटपुट आएगा, अगर तुम लोग का गेट सी एच मेन में होगा तो तुम लोग का आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। और हम लोग इसके आगे एक एंडल लिखते हैं, ठीक है। तो तुम लोग को क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड वन, ऑब्जेक्ट डिलीटेड वन, ठीक है। कभी आया, जब भी तुम लोग ने डिस्ट्रक्टर में ही गेट सी एच लिखा तब आया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड वन, ऑब्जेक्ट डिलीटेड वन, ठीक है। अगर मैं इसके दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, लाइक टी वन कॉमा टी टू, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड वन, ऑब्जेक्ट डिलीटेड वन, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिलीटेड टू एंड ऑब्जेक्ट डिलीटेड वन, मतलब क्या किया तुम लोग ने, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड वन मतलब क्या, तुम लोगों ने किसको कॉल किया, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, तो काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, काउंट का वैल्यू वन हुआ और ऑब्जेक्ट क्रिएटेड क्या आया, वन, ठीक है। वापस से तुम लोगों ने दूसरा, जैसे टी टू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वापस से इसको कॉल हुआ, अकाउंट का वैल्यू टू हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड क्या आया, टू हो गया। जैसे तुम लोग ये कर्ली ब्रेसेस के बाहर आ गए तो डिस्ट्रक्टर को कॉल हुआ। नाउ ऑब्जेक्ट डिलीटेड, अकाउंट का वैल्यू क्या है, टू, ऑब्जेक्ट डिलीटेड टू पहले आया और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट भी है ना, इसलिए वापस से उसको कॉल होगा, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट डिलीटेड, उसका वैल्यू डिक्रीमेंट होके ऑब्जेक्ट डिलीटेड क्या आएगा, वन आएगा। इसके लिए क्या हुआ, पहले
पहले ऑब्जेक्ट डिलीटेड टू आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिलीटेड क्या आया, वन आया। ठीक है, ये सिर्फ तुम लोग को एग्जांपल था कि डिस्ट्रक्टर कैसे डिस्ट्रॉय करता है ऑब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम तुम लोग को नहीं आता है। ठीक है, तुम लोग को बेसिक प्रोग्राम आता है लाइक एडिशन करके दिखाओ यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, वैसे प्रोग्राम आता है। ठीक है, आई होप तुम लोग को ये प्रोग्राम समझ में आया। ठीक है, सो वी विल सॉल्व अनदर प्रोग्राम यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। सो द क्वेश्चन इज परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर्स यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, क्लास में क्या चाहिए तुम लोग को, एडिशन करना है टू नंबर का एंड कंस्ट्रक्टर भी चाहिए एंड डिस्ट्रक्टर भी चाहिए। ठीक है, तो दो नंबर आएंगे इंट ए एंड बी, पब्लिक में क्या आएगा कंस्ट्रक्टर आएगा क्या, टेस्ट। ठीक है, आई विल यूज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इंट, तुम लोग डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हो इंट वाई इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू वाई एंड डिस्ट्रक्टर आएगा टेस्ट। ठीक है, इसमें मैं करूँगी एडिशन इंट एंड इज इक्वल टू ए प्लस बी सी आउट एंड वर्ड मीन टेस्ट बी और ब्रैकेट में उसका वैल्यू 1,2। ठीक है, अगर मैं इधर गेट सी एच दे रही हूँ, ठीक है, तो तुम लोगों को कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं होने वाला। ठीक है, ये पहले वाले आउटपुट आ रहा है। ठीक है, मैं क्लियर स्क्रीन दे दूँ। ठीक है, तुम लोगों को कोई भी आउटपुट नहीं आएगा सिंस तुम लोग ने गेट सेज किस में दिया है, मेन में। अगर मैं ये वापस से रन करती हूँ और मेरे पास क्लियर स्क्रीन नहीं है, ठीक है, तो तुम लोग को आउटपुट आएगा। ठीक है, एडिशन इज इक्वल टू 3। सिंस जिधर तुम लोग का स्कोप ख़त्म हो रहा है लाइक वर्ड में जिधर एंड हो रहा है उधर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, बट उधर तुम लोग का प्रोग्राम एंड होता है। इसके लिए तुम लोग को क्या देना पड़ेगा, इधर गेट सेज देना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम लोग को क्या आएगा, आउटपुट आएगा। ठीक है, अदरवाइज तुम लोग जब भी सेकेंड टाइम प्रोग्राम रन करोगे अभी मैं वैल्यू अलग देती हूँ। ठीक है, अदरवाइज तुम लोग सेकेंड टाइम जब प्रोग्राम रन करोगे तो तुम लोग को आउटपुट मिलेगा। ठीक है, एड इज इक्वल टू क्या आया तुम लोग को, 7। ओके, आई होप तुम लोग को ये समझ में आ रहा है। जैसे तुम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो वैसे ही डिस्ट्रक्टर को सिर्फ एक टिल्डे साइन रहता है, वो उसमें कोई पैरामीटर्स नहीं होते हैं, वो मेन में होता है सॉरी वो पब्लिक में होता है, उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, उसका नेम एंड क्लास नेम सेम होता है। ठीक है, एंड डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, कंस्ट्रक्टर उसको क्रिएट करता है, कंस्ट्रक्टर मेमोरी एलोकेट करता है, डिस्ट्रक्टर डी एलोकेट करता है। ठीक है, आई होप तुम लोग को ये समझ में आए, बहुत ही इजी टॉपिक है। और तुम लोग को ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करो यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, मैं तुम लोग को एक एक्सरसाइज दूंगी कि तुम लोग को एक पहले क्वेश्चन दिया था लास्ट टाइम कि तुम लोग को एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है कंस्ट्रक्टर से। ठीक है, तुम लोग को सेम प्रोग्राम करना है यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ओके, मुझे सॉल्व करके तुम लोग स्क्रीन शॉट सेंड करने वाले हो, और कुछ डिफिकल्टी होगा तो हम लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।